गुड मॉर्निंग एवरीवन सेवेंथ क्लास इज फोर्थ ऑफ दिसंबर और डे है फ्राइडे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर है रिप्रोडक्शन तो इन प्लांट्स प्लांट्स तो में कैसे जो वो रिप्रोडक्शन होता है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हमने जो वो इंट्रोडक्शन वीडियो में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था टू टाइप्स के मोड्स हमने पढ़े थे एक पढ़ा था अ रिप्रोडक्शन एक पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमने देखा था कि अक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो वो पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में

देट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस और वो ऑर्गन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं अब देखते हैं कौन कौन से वो पार्ट होते हैं ठीक है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड स्टामिन ठीक है uh, ये बोल रहे की जो एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टामिन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल ठीक है तो याद रखिए आपको एक, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर उसका क्या नाम है स्टामिन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम है पिस्टिल ठीक है नेक्स्ट देखिए असम फ्लावर कंटेन इधर द स्टामिन और द पिस्टल एंड हेंस द हेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर ठीक है तो ये बोल रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो या तो स्टामिन ही होता है या तो पिस्टिल ही होता है। कि या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जैसे कि पपाया हो गया वाटरमेलन कोकुम्बर कोकोनट एटसेट्रा ठीक है तो याद रखिए कौन कौन से जो वो ऐसे फ्लावर हैं जिनके अंदर जो है वो या तो स्टैमिन ही होता है या तो पिस्टल ही होता है पपाया जो कि पपीता होता है वाटरमेलन आपको पता है कोकुम्बर कोकोनट एटसेट्रा ठीक है नेक्स्ट देखिए सम फ्लावर कंटेन बोथ स्टैमिन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाई फ्लावर ठीक है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो दोनों पाए जाते हैं जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है मतलब कि स्टामिन और पिस्टल दोनों पाए जाते हैं और उन फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिली रोज ब्रिंजल पिटूनिया मस्टर्ड एटसेट्रा ठीक है नेक्स्ट इसको कंटिन्यू लेकर के चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कंटेन द करेक्टरिस्टिकोथ प्लांट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये बोल रहा है कि जब न्यू प्लांट्स जो वो कोई प्रोड्यूस होता है तो वो उसी के कारण होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बोथ प्लांट्स के अंदर ठीक है नेक्स्ट लिखा है द स्टामिन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज पोलन ग्रेन्स दैट पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल जेमिट्स ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो वो जो हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्या नाम है उसका स्टामिन उसके अंदर क्या क्या होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या उसके अंदर जो वो एक आ, एंथर होता है ठीक है यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे कैस किस टाइप का होता है ठीक है और जो नीचे जो वो एक पाइप जैसी आपको दिख रही है ठीक है इसको बोलते हैं फिलामेंट और इसको बोलते हैं स्टामिन और जब इसको जो वो मतलब बीच में से काट दिया मान लो ठीक है बीच में से यहाँ से इसको काट के देखते हैं इस यहाँ से इसको काट दिया तो इसका ऊपर वाला पार्ट ये देख सकते हैं उसका नीचे वाला पार्ट ये देख सकते हैं तो उसके बीच में क्या होता है उसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलेन सेक्स होता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सैकस है वो पोलेन सेक्स ठीक है आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन उसके अंदर जो वो क्या क्या होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे द पिस्टल की पिस्टल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट पहले हमने देखा कि जो स्टामिन होता है उसके अंदर क्या होता है अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है पिस्टल में क्या होता है तो थ्री पार्ट होते हैं एक होता है स्टिग्मा एक होता है स्टाइल एक होता है, ठीक है तो स्टिग्मा की बात करें तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, के साथ होता है। ठीक है तो आ, नेक्स्ट लिखा है स्टाइल इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी ठीक है ये जो अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है नीचे ओवरी के साथ और स्टिग्मा के साथ तो इसको जो वो जो कनेक्ट कर रहा है इसको उसको ही स्टाइल हम लोग बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट लास्ट है ओवरी इट एग्स इन कंटेच द फीमेल और एग्स आर फॉर्मड ठीक है तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं एग्स होते हैं जो कि यहाँ पे फॉर्मड होते हैं फॉर्म होते हैं ठीक है तो आप इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनाइए आप याद रखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन चीजें होती है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टामिन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर एंथर फिलामेंट दो चीजें होती है और उसके अंदर जो वो पोलेन सेक्स होता है ठीक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो वो इसका ये इस जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है आज के लिए इतने काफी है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे